विदाई, कितना भारी शब्द है ना। चाहे हॉस्टल जाने के लिए घर से विदाई हो या शादी के वक्त मायके से, सोच कर ही कैसे दिल बैठ जाता है ना। लेकिन विदाई खूबसूरत भी हो सकती है अगर उसमें आत्मसम्मान हो, खुद की पहचान हो, अपना नाम किसी और के साथ जोड़ लेने का चलन ना हो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा हों, जिसमें हर सवाल के जवाब सिर्फ लड़की को न देने पड़े, और एक ऐसी विदाई जिसमें हर जवाब के बाद कुछ सवाल फिर से उसी लड़की के सामने न खड़े हों। ये बताया मुझे गुल्लक ने। विदाई की वो परिभाषा या कल्पना जो मैंने आपको सुनाई वो गुल्लक के लिए लिखी है दुर्गेश ने। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शनिवार शाम जो लोग वक्त निकाल कर मिलने आए, झोला भर प्यार दिया, उसके लिए उस वक्त भी आपसे विदा लेते हुए मन बड़ा भारी था। खैर, ऐसे ख़त्म हुई शनिवार की शाम और आया संडे, और इसी संडे को फंडे बनाने के लिए मैंने देखी गुल्लक सीज़न 3। और ये देख कर मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि इस सीज़न इसने महिलाओं से जुड़े कई इश्यूज़ पर बात की जो रोज़ हमारे आसपास घटते हैं, पर इसका कोई शोर नहीं होता। जिन लोगों ने गुल्लक देखी है उन्हें पता होगा कि ये आम घर, जिन्हें आप और हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसके किस्से कहने वाली एक सीरीज़ है। परिवार में पापा हैं संतोष मिश्रा, मम्मी हैं शांति मिश्रा और दो बच्चे हैं अन्नू और अमन। इस कहानी के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं। पहला सीज़न लिखा था निखिल विजय ने, जो ललन टॉप के एक्स साथी हैं। दूसरा और तीसरा लिखा दुर्गेश सिंह ने। वैसे तो हर सीज़न में कुछ ना कुछ बढ़िया है, लेकिन तीसरे में मैंने फील किया कि महिलाओं से जुड़े बहुत से अनछुए पहलुओं को बखूबी से छूते हुए यह हमें आईना दिखा गया। बहुत सिंपल लेकिन मार्मिक डायलॉग, जैसे घरों में अंत में आती है मम्मी नए ताने और पुराने बाने के साथ। घर में ढलती हुई उम्र की महिलाओं की एक फ़ीमेल कंपेनियन की ज़रूरत हो, या शादी के रिश्ते देखते वक्त एक लड़की की इच्छाएँ, ऐसे बहुत से किस्से और मुद्दे देखने को मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे लिखने वाले से, इन किस्सों को लिखने वाले से बात की जाए, और ज़रा सीन दर सीन बात करते हुए ये समझा जाए कि आखिर दुर्गेश ने कैसे उन्हें इतना सेंसिटिवली पकड़ा। हाँ, तो वो डायलॉग मुझे बड़े अच्छे से याद रह गया, जब पार्लर में वो कहती है ना कि पार्लर के सुंदर बनाता है फुर्तीली पूछिए, तो मम्मी कहती है नहीं, तुम तो पहले से ही सुंदर हो, कभी किसी ने कहा नहीं। मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जो बड़े होते होते तक, टीनेज के बाद या जब तक वो शादी की उम्र तक नहीं पहुंच जाती, कभी उनसे कोई नहीं कहता कि बेटा प्यारी लग रही हो, बेटा सुन। ये मिडिल क्लास का एक वो जो कल्चर है ना, शादी होने आ रही है तब वो बताएंगे कि आ हा हमारी रानी तो कितनी वो है, या शादी के लिए जब तैयार हो रही होगी। ये सब आपने कहां ऑब्जर्व किया? मतलब यार ये तारीफ नहीं करते लोग, खुल के तारीफ नहीं करते। और लड़की का ज्यादा तैयार होना, मतलब इसको आज भी बहुत टैबू माना जाता है, लड़की का ज्यादा तैयार होना, ज्यादा ढंग से तैयार होना। मैंने जैसे सीजन 2 में भी आई थिंक अनुपमा चोपड़ा से जब बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा था कि ये खिड़की का पर्दा पहन के, बिट्टू की मम्मी को जो एक डायलॉग था, खिड़की का पर्दा पहन के कहाँ उड़ी जा रही है आंटी आप, है ना। तो बेसिकली खिड़की का पर्दा वहीं से था कि माँ चाहे जितना तैयार हो, पापा कभी तारीफ ही नहीं करते थे, और जब माँ इंसिस्ट करती थी कि बताइए कैसे लग रहे हैं, तो बोलते थे खिड़की का पर्दा लग रहा है। तो तारीफ तो अभी भी नहीं मिलती लड़कियों की। एंड जो लड़के प्यार में हैं, जो तारीफ करते हैं, उस प्यार को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को तारीफ नहीं मिलती, लेकिन तारीफ जो लड़के करते हैं उन लड़कों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो यानी हम उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन तारीफों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अलग लेवल पे है मामला। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नीस है वो 10th या 11th में है, और उसके फोन वोन मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप पे बात करती है, ये सब। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके जीवन में चल क्या रहा है, कि कभी कभी मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ, पर उसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से कर दी गई है कि ओपनली मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। जैसे स्कूल बस में कितने लड़के जाते हैं बातचीत होती है, तो वो बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि मेरा मामा ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो एंड घर में किसी को ये, मतलब लोग भी ये बोलते हैं, यार तुम ये सब बातें मत किया करो, यार तुम ये सब बातें क्यों करते हो उससे। एंड अभी जस्ट 11th में है, एंड वो मुझे बस इंटरेस्ट है कि अगर वो बताना चाहे, शेयर करना चाहे कुछ जैसे हम सब अपने पहले प्यार में, अपने पहली अर्ली डेज में जब हमको रोमांस होता है, हम प्यार करते हैं, हम अट्रैक्टेड होते हैं,
तो कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं। तो हमारे लाइफ में तो कोई उनको डिस्कस करने वाला रहा नहीं और कोई उनको सॉल्व करने वाला, जब डिस्कस करने वाला ही नहीं रहा तो सॉल्व करने वाला कौन रहेगा। तो मैं चाहता हूँ उसकी लाइफ में जो कुछ पहली दफा हो रहा है अगर वो शेयर करना चाहे तो मैं ट्राई करूंगा कि सॉल्व करने की, सो दैट अगर प्यार है तो प्यार बना रहे, क्योंकि उस प्यार पे ऐसा कोई क्वेश्चन ना उठाए। अगर प्यार है तो प्यार बना रहे, प्यार को नर्चर करना तो बहुत सुंदर काम है। तो हाँ वो सब वही से मतलब तारीफ मिल भी जाए तो आपके फ्रेंड्स से मिल जाएगी, आपके साथ जो पार्टनर्स हैं उनसे मिल जाएंगे, मम्मी पापा से कभी, मतलब मैंने तो ऐसा तक, मतलब अगर किसी दिन तैयार हो कहाँ चल रही हो बंधन के, वो तंज में ही कोई बात कहेंगे। मतलब अब जब जैसे कहते हैं ना कि बेटा देख लो शादी की उम्र है ये है, हो तो तुम भी सुंदर ही कोई ना कोई, तो अब वो ऐसे करके हाँ जब जब शादी की बात होगी तब सुंदर कहेंगे, उससे पहले कभी किसी ने कहा ही नहीं, तो उसका उस डायलॉग से मुझे लगा सही बात है यार, कभी किसी ने कहा ही नहीं। और फिर मम्मी कहती है ना अब सब कहेंगे, तो ये है ही कि शादी के बाद तो फिर सब कॉम्प्लीमेंट करने लगते कि बड़ी प्यारी है बड़ी सुंदर है, मतलब वो सुंदरता भी उस एज के बाद ही वैलिडिटी होती है। एज इट इज दिखाया मैंने, ये जैसे आप बता रही हैं जिस तरीके से लाइफ में होता है कि जैसे ही शादी की बात आती है वैसे कहा जाना चाहिए सुंदर तो लगती हो, कितनी सुंदर नाक है कितनी सुंदर आंख है, सारे फीचर्स आपके शार्प बता दिए जाते हैं राइट, और उससे पहले कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो जो है एज इट इज हमने दिखाया है। और हमने पार्लर को भी डिस्कार्ड किया है कि हमने 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 जानबूझ के पार्लर को, वी एज अ क्रिएटर श्रेयांस पलाश, हम लोगों ने जानबूझ के पार्लर को डिस्कार्ड किया है कि पार्लर सुंदर बनाता है, जब वो पूछती है तुम आप पार्लर क्या सुंदर बनाएगा, तुम हो ही सुंदर। तो हमने जानबूझ के इस पार्लर को डिस्कार्ड किया है कि भाई ये जो गेम चल रहा है, ये जो चल रही है चीजें ना, इसको हम अपने क्राफ्ट में जितना डिस्कार्ड कर पाए उतना सही रहेगा। एक एक चीज होती है कि आप ना कुछ हो रहा है आप सिनेमा के थ्रू उसे दिखा रहे हो, दूसरी चीज होती है समाज में जो हो रहा है आप सिनेमा के थ्रू से प्रमोट कर रहे हो। गुल्लक देखते हुए मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज को ना समाज की किसी भी चीज को प्रमोट किया जा रहा है, वो ना आईना दिखाते हुए कहते हैं ना कि आप आईना दिखाते हुए ही तमाचा मार रहे हो कि ये रियलिटी है देखो यहाँ पर। फुर्तीली के कैरेक्टर, मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर पे मुझे लगता है मैं अगर आपसे बात करना शुरू करूँ तो शायद एक डेढ़ घंटे तक मैं आपसे बात करते रह जाऊँ। नाम पे आते हैं, जैसे ही एक आदमी ये मान लेता है कि अच्छा चलो जैसे जैसे उसने पसंद कर लिया कि चलो ठीक है लड़की ठीक है, उसके अंदर कैसी सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है ना कि अब इसका सब कुछ तो मैं ही हूँ, इसका नाम बदलने तक का अधिकार भी मेरे पास आ गया है। और मुझे इससे बड़ा मेरा पर्सनल किस्सा है, मेरी दादी का नाम ना कमल नंदिनी था शादी के पहले, शादी के बाद उनका नाम कमला हो गया। तो कभी मैंने पूछा कि दादी कैसे नाम, तो बोले कि तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि ये कैसा नाम है, कमल तो लड़कों का नाम होता है, क्या कमल नंदिनी नाम है। और गुल्लक देखते हुए मैंने रियलाइज किया, मतलब उस टाइम तो चलो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई, कभी कभी इतना इस तरह से सोचा नहीं, गुल्लक देखते देखते मैं सोचा कि यार क्या गुजरा होगा उन पर कि आप जिस आइडेंटिटी के साथ बड़े होते हो, कोई आदमी आता है जो अपने आप को फिर आपका मालिक मानने लगता है और वो आपका सब कुछ बदलने की वो कर लेता है। नाम यार, नाम बहुत बड़ा इशू है, मतलब मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि मतलब मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ लेकिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है चॉइसेस सबकी कि शादी के बाद जो लड़कियां नाम चेंज कर लेती है, सरनेम चेंज कर लेती है, उनकी चॉइस है, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, आई पर्सनली फील कि वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उससे एक मैसेज ये जा रहा है, आइडेंटिटी वाली बात है जो कि मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि कल्चरल शिफ्ट जो है वो जिसको हम लुकआउट करते हैं वो ये कुछ सालों में हुआ है, वो सिनेमा से हुआ है, वो बड़े शहरों की चकाचौंध से हुआ है, वो कल्चरल शिफ्ट जो होता है वो बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ होता है। नाम फुर्तीली, पहले तो फुर्तीली नाम पे आते हैं, फुर्तीली नाम मैंने जानबूझ के रखा था और मेरी टीवीएफ के अंदर कंटेंट टीम जो है उसमें डिस्कशंस भी हुए थे बहुत सारे, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स भी हुए थे कि कैन वी चेंज द नेम, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं करना है चेंज, मतलब फुर्तीली के अलावा मैं नहीं चेंज कर सकता नाम, ये कैसा नाम है ये भी क्वेश्चन आया था कि ये कैसा नाम है, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि फुर्तीली क्लिक करेगा, लोगों को क्लिक करेगा, क्योंकि मेरे बचपन में एक एक लड़की थी उसका नाम था कुसुम, उसकी जो शादी थी ना वो इसी वजह से टूटी थी कि उसका नाम कुसुम था, तो कुसुम नाम में शादी अगर टूट गई तो फुर्तीली से, और उसके घर का नाम फुर्तीली नहीं था, उसके घर का नाम फुर्तीला था, तो फुर्तीला की शादी जब टूटी तो मैं बहुत, मुझे लगा अच्छा टूट गई
बाद में मुझे हिट किया यार कि नाम में क्या दिक्कत थी यार, नाम तो सेम चीज मैंने नाम यहाँ पे उठा के रखा एंड ये चीज करी कि भाई हम लोगों ने मतलब ये हमारे इंटेंस डिस्कशंस हुए थे ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस कि किस वजह से शादी टूटेगी। हमने बहुत मंथन किया, बैक एंड फोर्थ किया, तो समझ में आया कि डाउट एक खतरनाक शब्द है। संदेह होना मॉडर्न रिलेशनशिप्स में बहुत खतरनाक शब्द है। मैं इसको उतना ही खतरनाक मानता हूँ जितना केदारनाथ सिंह ने अपनी पोएम में लिखा है कि जाना हिंदी की सबसे खतरनाक क्रिया है। तो मुझे लगता है अभी आजकल के रिलेशनशिप्स के लिए डाउट होना सबसे खतरनाक वो है। तो हमने डाउट पे लेके आए कि भाई डाउट है हमको, तो अब भाई यहाँ पे हमको फन करने का स्पेस था। गुल्लक की एक सबसे खास बात देखेंगे, गुल्लक आपको जब सीरियस चीजें भी कर रहा होता है ना आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ सीरियसली रोलर कोस्टर हो रहा होता है, तो गुल्लक आपको एक पॉइंट पे ले जाता है जहां से आपको ड्रॉप कर देता है, आप ऐसे नीचे गिरते हैं धाएं से। तो डाउट होने पे आपको लगा ये क्या बकवास है, और उसके बाद चलने लगा नाम के अराउंड कि राजेश का नाम देखे हैं, उसका नाम इंसान का नहीं चला, भंडार का नाम लगता है, और पापा बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो बदल के रख दे आपका नाम, हरदन हल्दी डोडे गौड़ा देव गौड़ा आपका नाम रख दे। तो हमने नाम के अराउंड प्ले किया एंड सीरियसली वो चीज, जैसे गुल्लक का एक ये भी चीज है कि हमको पुरानी चीजें उठानी है पर आज की चीजों से कैसे कनेक्ट करना है वो भी हमको ढूंढना पड़ता है। तो जैसे अमन जब बोलता है नॉट श्योर बोल दीजिए, आजकल ट्रेंड में है ना, और ये भी डाउट से भी ड्राइव करके हम नॉट श्योर तक आए। और मॉडर्न डे रिलेशनशिप में जो सबसे खतरनाक चीज खेल चल रहा है, सबसे खतरनाक एक बात चल रही है डाउट होने को, उसको हमने पुरानी चीजों से कनेक्ट कर दिया और ये एपिसोड उस तरीके से खड़ा हुआ पूरा। क्या बेटी हृदय का पत्थर है तो बेटा भी तो किडनी का कंकड़ है। कैसे ये मतलब एक फ्रस्ट्रेशन पापाओं में होती तो है जो होता है ना कि अरे यार ये भी बहुत टेंशन नहीं देते हैं, बहुत अच्छा तो है नहीं। ये तो हम अपने भी घर में देखते हैं, भाइयों के लिए पापा ऐसे कह देते हैं कि मतलब क्या बेटा कुलदीपक है, मतलब मेरे पापा कुछ ऐसे कहते हैं बेटी भी वो है, तो वो एक टीस दिखाने का कैसे सोचा आपने, मतलब वो कैसे आया कि मतलब वो देखिए अब कई चीजें हमको जो सोशल नॉर्म्स है जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया हमको डिस्कार्ड करना है। मतलब हम ये डेलिबरेटली करते हैं कि जैसे वो बोलता है ना कि मर्दों के राज और उनके अंदाज सबको कहाँ पता चलते हैं, फुर्तीली के फादर जब बोलते हैं तो अमन रिप्लाई करता है कि पर ये सब थोड़ी है, हमारी मम्मी है और इस आदमी की पत्नी है, इनको तो पता होनी चाहिए। तो बेसिकली द मोमेंट ये चीज आई ना कि मर्द कुछ स्पेशल लोग हैं, तो मुझे अपनी राइटिंग में उस चीज को डिलिबरेटली वो करना था कि इसको डिस्कार्ड करनी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, मर्द कोई स्पेशल आदमी नहीं है, मर्द जो है वो एक नॉर्मल इंसान है जो औरत है वैसे ही है। तो वहां पे हमने उसको डिस्कार्ड किया। सिमिलरली किडनी की पत्थरियां वर्सेस हृदय में धंसा हुआ पत्थर, तो अगर लड़की हृदय में धंसा हुआ पत्थर है तो लड़के कौन सा बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं, तोप मार रहे हैं, हमने तो हमारे पास मतलब मेरे को तो कभी कहानी बताने का मौका मिलेगा तो मैं अपब्रिंगिंग के ऊपर मैं एक पूरा शो या एक पूरी फिल्म लिखना चाहूंगा कि बेटों की अपब्रिंगिंग कैसे होती है वर्सेस बेटियों की या बच्चियों की अपब्रिंगिंग कैसे होती है, उस अपब्रिंगिंग कितनी बड़ी दुनिया है अपब्रिंगिंग की। तो ये वहीं से आई यार कि जब आपको तकलीफ होती है हिट करता है तो आप बच्चे को जज करते हैं, अदरवाइज बेटियों के लिए मेटाफर्स बने हुए हैं, लड़कियों के लिए मेटाफर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, पर लड़कों के लिए वो मेटाफर्स रिवाइज तभी होते हैं या उनको याद तभी किया जाता है जब आपको कोई चीज बुरी लगती है। तो हमने उसको बैलेंस आउट किया, बेसिकली जानबूझ के किया। और ये यकीन मानिए ये सारी चीजें डिलीवरेट है, गुल्लक में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं कि अच्छा ये ऐसे हुआ नहीं है, उनको उनपे अटेम्प्ट किया गया है, उनकी कोशिश के साथ उनको हमने डिस्कार्ड किया है। जो भी प्रचलित नॉर्म्स हैं जिनको एक्सेप्ट कर चुकी सोसाइटी, हम आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं, हम आगे भी डिस्कार्ड करेंगे, और वही रिस्पॉन्सिबल राइटिंग होती है। जैसे ही बात उसकी आती है कि हम ना अपने घरों में भी देखते हैं, वैसे तो मम्मियां शिकायत करेंगी कि हमें यहाँ नहीं ले जाते, ये नहीं करते, जो उनकी शिकायत जायज भी होती है, उनके लिए वैसे नहीं किया जाता उनके सेंट्रिक, लेकिन जैसे ही उनके करने की बात है तो ना वो तुरंत पहले मना करेंगे, क्योंकि उनका सेकेंड थॉट क्या होता है, वो कैलकुलेशंस करती है, अच्छा बजट गड़बड़ाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, वो अपने डिजायर्स वहीं से ही उसी पॉइंट से मारने लगती हैं कि शिकायत तो है कि हमको कभी बाहर लेकर नहीं गए, अब जब लेकर जा रहे हैं तो नहीं हमें कहीं नहीं जाना है, रहने दो,
सिचुएशन की टीज ठीक है, लेकिन वो क्या कैलकुलेशन जो बैक ऑफ द माइंड उनके चलता रहता है कि खर्चा ज्यादा हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वही हम मुझे मम्मी के कैरेक्टर में भी दिखा। और जैसे ही वो होता है ना, वो कसम तुम्हें हमारी कसम है, तो वो भी की ना तुम्हें कुछ होगा ना हमें कुछ होगा, इतने साल के रिलेशन के बाद ना एक वो। लेकिन जैसे ही बच्चों का नाम आता है कि अन्नू और अमन की कसम है तुम्हें, तो तुरंत मम्मी का रिएक्शन और वो जो आपने कैप्चर किया। और ये वाकई मतलब ये देख के भी वही वाली बात है ना कि हर कोई जो रिलेट करती है, तो हमारे घर में भी होता है कि अपनी सारी इच्छाएं वो सब कुछ उस पॉइंट पे चली जाएगी जैसी बात बच्चों की आएगी, कि बच्चों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भले उनसे कितनी शिकायत भी रहे, कितने ही नालायक रहे बच्चे। हाँ मतलब बेटे बेटे या बच्चे या बच्चे जो भी होते हैं उनकी उनकी कसम पे तो अभी भी मतलब वो छोड़ के भी चले जाए तो उनकी कसम उनको हिट करती है, पर अपनी कसम पे तो मतलब वो तुम वहां पे तो लाफ्टर बहुत अच्छा आता है, लोगों को भी लाफ्टर आया कि देते रहो कसम ना हमको होगा कुछ ना तुमको होगा कुछ, है ना। तो मतलब वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर बच्चों की बात आती है तो मम्मी मान जाती है, बस सिंपल, इतना ही सिंपल है। आपकी मम्मी भी ऐसी आपको लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव है, देखा है करते हो यार, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मतलब मेरी माँ तो 70 साल की उम्र हो रही है उनकी, अभी भी बहुत पॉजिटिव है, एंड मैं तो अभी उनको फोर्स करता हूँ कि यार अभी कितनी कितना लाइफ बची है आपकी, आप थोड़ा चिल किया करो, थोड़ा रिलैक्स किया करो। अब उनसे होता ही नहीं है, उनके उनकी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। और मतलब मैंने आसपास अभी भी माए मैं देखता हूँ, लोगों को लगता है कि पजेसी तो रहती है बच्चों को लेके, कि एक एक तरीके का उनका वो भी रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है, मतलब पता नहीं मेरे को मैं क्या करूंगा कि एक ये जो पजेसिवनेस होती है ना माओ की, वर्सेस जब आपका प्यार आपके लाइफ में आता है, ये पजेसिवनेस के बीच में ना वो बहुत फन है। तो शायद आगे चल के किसी कहानी में एक्सप्लोर जरूर करूंगा मैं उसको, पर माया तो बॉन्ड वो होती है कि आपके ऊपर अधिकार तो जताएंगी, एंड भले ही आपसे चीखे चिल्लाए लड़ाई झगड़ा करे, पर पोजीशन इससे होगी। कुर्तीले की शादी वाला जो था, और हाँ पहले तो इस पर आते हैं, अगुआ वाले पर। एक ना हमारे घर के मर्दों में खास करके जो थोड़ा सा छोटे शहरों से या गांव से अभी भी कनेक्टेड है, उनमें ना एक बड़ा सुपीरियर फीलिंग होती है कि हमने ना इतने रिश्ते कराए। मैं ये ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने अपने घरों में अपने पड़ोसियों के उसमें कि वो बड़ा प्राउडली बताते हैं कि हम ना इतना वो कराए। वही इनमें भी था, पापा भी यही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बात रिश्ता तोड़ने के तो वो कैसे बैकफुट पर आ गए थे कि अरे हम उनसे पूछे बिना थोड़ी कर सकते, लेकिन उनसे पूछे बिना वो रिश्ता जोड़ सकते हैं कैसे। मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि ये ऑब्जर्वेशंस आपने कहाँ से नोटिस किए कि इसको ना इस तरह से दिखाया जाए कि कैसे एक सिचुएशन में वो बैक ऑफ करने लगते हैं इसी के नाम पे, और एक सिचुएशन में वो इसी के नाम पे अपना ईगो सेटिस्फाई करने लगते हैं कि हम तो अगुआ हैं, हम तो हैं फॉरवर्ड लेकर जाने वाले। अभी अभी एक, एक, एक दो महीने पहले की बात है कि वो ना मतलब मैं अपने गाँव मतलब मेरा कनेक्शन मेरे गाँव से बहुत ज्यादा है, मतलब मैं गुल्लक 3 की राइटिंग के प्रोसेस में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने गांव में बिताया, मैं वहीं से लिखता था। बॉम्बे को मैंने एक बेस रखा हुआ है, पर मैं अभी लाइफ में बहुत क्लियर हूँ कि मैं बॉम्बे में बैठ के नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो या तो अपने घर पे लिखूंगा या तो अलग अलग शहरों में घूम के लिखूंगा। ये मैं एकदम क्लियर है कि मैं कुछ महीने कलकत्ता में भी लिख सकता हूँ, कुछ महीने मैं दिल्ली में लिख सकता हूँ, और इस वो एक जानबूझ के वो कोशिश है कि इसी बहाने शहर को जानने का मौका मिलेगा। तो ये जब लिख रहा था गुल्लक 3 की राइटिंग में, उसी समय शादियों अभी भी अगुआ तो ऐसे रैंडम किसी आदमी को उठा के अगुआ बना दिया जाता है, वो बन जाता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो जितनी बार रिश्ते के लिए बात करने आता है उसको सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, लड़की के पक्ष से भी लड़के के भी पक्ष से सम्मान मिलता दोनों की साइड, बहुत एक्स्ट्रा सम्मान जो वो डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, वो खाली बातें करता है, बतौलेबाजी करता है, और देखिए उसका पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, उसको लड़की वाले का पैसा खर्च कराना है, उसको लड़के वाले का पैसा खर्च कराना है, उसका वो दूसरों की गाड़ी में बैठ के जाता है आगे वाली सीट पे, हाँ वो बोलेरो में फ्रंट सीट पे बैठ के जाता है ड्राइवर के, बाकी लोग जिसकी बेटी की शादी है बेचारा वो पीछे बैठ रहा है, जिसके बेटे की शादी है वो भी पीछे बैठ रहा है, ये आदमी आगे बैठता है पैर पे पैर चढ़ा के, ये आदमी सीट भी पुशबैक कर लेता है तो सबसे ज्यादा जगह भी कब्जा यही करता है, यही आदमी डिसाइड करता है कि मिठाई क्या खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक क्या पियेंगे, परफ्यूम भी यही आदमी मारता है, और इसी आदमी की गाड़ी दहेज में क्या ली जाएगी, दहेज में क्या दी जाएगी, दहेज में कितना पैसा दिया जाएगा, दहेज में कितना पैसा लिया जाएगा। लड़की वाले बोलते हैं कि हमारे पास पैसा कम है, तो ये बोलता है कि इतना तो देना ही पड़ेगा। लड़के वाले बोलते हैं कि हमको गाड़ी को मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको वैगनार में
दूसरे कलर की गाड़ी चाहिए या टाटा पंच हमको दूसरे कलर की गाड़ी चाहिए, तो ये डिसाइड करता है कि नहीं वो कलर जो है वो वैसा अभी वो कम बिक रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ बातें करता है कि वो कलर कम बिक रहा है। तो ये तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कि रियल लाइफ से अचानक से आदमी, और खासकर ना ये वो लोग होते हैं जो जॉबलेस होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जॉबलेस होते हैं या तो वो रिटायर हो चुके होते हैं मोस्टली अपने प्रोफेशन से रिटायर, लाइफ के उस फेज में होते हैं जहाँ ज्यादा मतलब वो ना थोड़ा सा ठहराव और शांति जो आफ्टर 40-45 वाला जो एज वो होता है ना। हाँ भाई, इनको इनको आप व्हाट्सएप अंकल की कैटेगरी में भी डाल सकती है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वाले जो अंकल होते हैं वो उनको आप उसमें भी डाल सकती हैं। और ये सारे लोग मतलब ये टैप करते हैं, मतलब ये टैप करते हैं कि अच्छा किसकी शादी होने वाली है, किसकी जॉब लगी है। वो वॉइस ओवर में भी अगर आप देखेंगे तो वो बीएसएफ में छुट्टी से लौटे जवान से उसका पता पूछ लेता है, वो फाइनेंस ज्योतिष फ्यूचर सबकी जानकारी होती है उसको, तो वो सारी चीजों की जानकारी रखते हैं और ये घूमते रहते हैं कि किसके पास। तो बेसिकली कुल मिला के ये आदमी जो है उसमें अनुराग कश्यप ने एक डायलॉग यूज किया था कि रमन राघव में आई थिंक कि भगवान का सीसीटीवी कैमरा हूं मैं, है ना। तो ये आदमी जो है ये भगवान का सीसीटीवी है और खाली घूम घूम के ताड़ता रहता है कि कौन जवान हो रहा है, किस कौन पैसे कमा रहा है, किसकी शादी की उम्र हो रही है। तो हमको ये करना था अगुआ, और फिर एक डर था कि अगुआ लोगों को पसंद आएगा कि टाइम समझ में आएगा कि नहीं, तो हमने वॉइस ओवर में एक्सप्लेन किया। फिर बाद में जब फीडबैक आए तो लोगों को पता चला कि यार अगुआ होता तो हर जगह है, कुछ जगह उसका कुछ और नाम होता है, कई कई इलाकों में कुछ और नाम होता है, नाम का डिफरेंस तो है ही। एक ऑब्जर्वेशन मैंने और देखा गुल्लक में, अक्सर ना परपंची या फिर पंचायती महिलाओं को दिखाया जाता है कि बहुत बहुत पंचायती होती है, बल्कि इक्वली देखा जाए तो गॉसिप में सबको इंटरेस्ट आता है, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। और आपने जो दिखाया कि अनु और पापा के बीच में है ये बताए, और वो फिर पूरा जो पूरा सेटअप होता था, मुझे पापा का वो भी याद है, वो जो बड़ी जवान है आपने, नहीं वो जो बड़ी यंग लगती है किसी महिला, यंग आंटी वो इतने सेक्सिस्ट भी होते हैं, वो ऐसी बातें भी करेंगे, पूरी पंचायत में भी इंटरेस्ट होता है सारा ऑब्जर्वेशन, लेकिन उनको पंचायती नहीं माना जाता, उनको ऐसा पंचायतों में कंसिडर नहीं किया जाता कि ये गॉसिप करेंगे, बल्कि इक्वली गॉसिप वो भी करते हैं। ये हमारे घरों में भी होता है, तो आपने कैसे इंटेंशनली दिखाया था या ये था कि हाँ ये तो रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी तो नहीं है, ये इंटेंशनल है मामला, फादर के कैरेक्टर को थोड़ा लवेबल बनाने के लिए। जैसे मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि गुल्लक क्लासलेस कहानी है, गुल्लक किसी क्लास की कहानी नहीं है। लोग बोलते हैं मिडिल क्लास की कहानी है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को। मैं बोलता गुल्लक क्लासलेस है, आप अपने फादर के साथ बैठ के अगर जोक मार सकते हैं, आपका फादर अगर शराब पी रहा है, आप बैठे हुए हैं और एक ही गजल पे दोनों लोग गुनगुना रहे हैं, तो ये तो किसी क्लास की कहानी हो सकती है ना। सबको ऐसे बाप चाहिए। आप अपने फादर को बोल सकते हैं कि कलाकंद लेके आए और ट्रांसफार्मर बेच दिए क्या, तो इतना अगर लिबर्टी है आपके पास, इतनी ऑनेस्टी है आपके पास, तो ये क्लासलेस फादर हुआ। क्लासलेस फादर एंड सन की जोड़ी है ये, मतलब ये मैं मलाबार हिल्स में कोई रहता है बॉम्बे में वो भी देख सकता है, या फिर यूपी के किसी हिस्से में या बिहार के किसी हिस्से में कोई, वो भी इसी तरह का बाप। हम सबको अपनी लाइफ में इसी तरह का बाप चाहिए जो संतोष मिश्रा है, चाहे आप किसी भी क्लास से आते हैं। तो ये हमने जानबूझ के किया है, मतलब मैं जैसे अपने, मुझे तो इसीलिए ये लगा क्योंकि मैं अपने फादर, ये मेरे फादर का कैरेक्टर है, मुझे लग रहा था देखते वक्त वो इतने ही गॉसिप लवर है, वो शादियां करवाने को लेकर इतने ही, अभी अगर मेरे पापा ये इंटरव्यू देखें तो बड़ा शिकायत करेंगे कि सारी घर की बात बता दी, लेकिन एग्जैक्टली यही कैरेक्टर उनको पूरी पूरे मोहल्ले की बातों से लेकर दिवाली पे किसके यहाँ से कितने लड्डू आए, तो होली पे कितनी गुजिया गई, वो सारी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हम कभी भी आदमियों को ना पंचायती होते हैं ये होते हैं नहीं वो करते, तो मुझे इसका क्या? हमने 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 दिखाया नहीं है, होते बहुत हैं, होते बहुत बहुत तगड़े वाले गॉसिप करते हैं। मतलब ऑफिस की पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स में है या ऑफिस की उसमें सिर्फ लड़कियां हिस्सा लेती हैं? नहीं भाई, मर्द नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स, मतलब मैं खुद भी गॉसिप करता हूँ यार। मैं और यार उन्होंने तो लिखा है सेपियंस में
वो जो बुक है सेपियंस में उसमें एक चैप्टर है गॉसिपिंग के अराउंड, नोवेल के, है ना, हाँ नोवेल की, हाँ उसमें तो गॉसिपिंग बताई है कि बेसिक हमारी ह्यूमंस का एज अ स्पीसीज अगर हम गॉसिप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो गॉसिप नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है एग्जैक्टली. और ये जो मतलब ये है ना कि परपंची चाय की आप एक चीज, चाय की दुकानों पे और पान की दुकानों पे जब मर्द जो है वो बैठे रहते हैं दिन दिन भर अखबार पढ़ के, वो बासी अखबार, एक दिन पुराना अखबार पढ़ पढ़ के जो बातें करते हैं वो क्या है, आप बताइए मुझे. और ये मतलब हमेशा गॉसिप इज नॉट अ बैड थिंग, मतलब ये बहुत डिस्ट्रेसिंग भी है, अच्छी भी बात है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानता, मैं इसको इनफैक्ट आपको ईज आउट कर देता है, आपको हल्का कर देता है गॉसिप, आप चैन से सोते हो. बिल्कुल. अब आखिरी सवाल पूछूंगी मैं. मैंने तीनों सीजन देखे हैं. मैंने सेकंड सीजन में भी देखा कि मम्मी किस तरह से मिक्सर लेकर आ जाती है और सब शॉक हो जाते हैं कि कोई स्मार्टफोन की उम्मीद कर रहा है कोई किसी की, और मम्मी अपने बारे में कि भैया आप नई सेलबट्टा से पीसा जाता है या ये. इस एपिसोड में मैंने ऑब्जर्व किया, ये पर्सनली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि विमेन सेंट्रिक ज्यादा था, महिलाओं की बातें, महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की दिक्कतें, जैसे मम्मी और फुर्तीली की वो जो गोला खाते हुए कॉन्वर्सेशन जिसमें मम्मी अपने बचपन वाली बात जो शायद उन्होंने कभी किसी से नहीं बताई होगी. और हम आपस में फीमेल्स भी देखती हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम, मैं कई बार अपने ऑफिस में किसी लड़की से बात करते करते बता दूंगी और फिर मैं रियलाइज करती हूँ यार मैंने सालों से ये बात किसी को नहीं बताई. तो ये जो फीमेल बॉन्डिंग या फीमेल इशूज है, ये आपने मतलब सोच के ही लिखा था कि ज्यादा रखना है या फिर बस लिखते लिखते हो गया कि ज्यादा आ गया, ज्यादा स्पेस दे दिया? नहीं यार, ये तो ये कहीं ना कहीं जहन में है कि राइटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबली करनी है, सोशली रिस्पॉन्सिबल राइटिंग करनी है. जैसे मैंने आपको बताया मेरी अपब्रिंगिंग 10-15 औरतों के बीच में हुई है, तो मतलब मेरे पास जो इंसाइट्स हैं लाइफ की वो मर्दों की दुनिया से ज्यादा औरतों के हैं. तो मैं जब नेचुरली भी लिखने बैठता हूँ तो मेरे पास कहानियां, उनकी बातें, उनके जोक्स, उनके चुटकुले, उनके मुहावरे उन्हीं के आते हैं. और अभी जो फिल्म भी मैंने लिखी है उसमें भी मतलब मैं इसीलिए वो लिख पाया वो कि वर्क प्लेस पे मैंने जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने मेरी जो कलीग थी जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था वो हम साथ में कॉलेज में थे और साथ में एक जगह हमने ज्वाइन किया और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. तो मैंने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी फिल्म लिखी है वापस से. तो आप जिनके साथ ज्यादा रहते हैं, जिस माहौल में आपका समय ज्यादा बीतता है, आपके ऑब्जर्वेशंस वहीं से डेवलप होते हैं. और मेरे केस में वही हुआ कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारी महिलाएं थी तो मेरी लाइफ इंसाइट्स वहीं से आती हैं, मैं बातें वहीं से करता हूँ. एंड थैंकफुली गुल्लक वो बात कहने की आज़ादी करता है, देता है. थैंक्स टू TVF, थैंक्स टू क्रिएटर्स की भाई वो आज़ादी मुझे मिलती है लिखने के लिए. सेकेंड सीजन में भी दी उन्होंने, सीजन 3 में भी दी, एंड सीजन 4 में आई होप हम लोग थोड़ा और कुछ कॉम्प्लेक्स टेरिटरीज में बात करें और थोड़ा फन तरीके से बात करें. गुल्लक में वही चीजें दिखाई गई जो रोज हमारे आसपास घटती हैं, इसलिए ये हमें अपनी कहानी लगती है. फर्क बस इतना है कि हम इसे संवेदनशीलता के साथ देख नहीं पाते, या देख भी लिया तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इसलिए इस तरह की चीजें समझाने बताने वाला जो भी सिनेमा, किताब या किरदार हमें मिलेगा तो हम उसे म्याऊ में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे, ताकि ये हमारी समझ बढ़ाने और हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करे. और जाते जाते एक और ज़रूरी सूचना, ऑर्डिनरी का नया शो आ रहा है परवरिश, नाम से ही क्लियर होगा ये पेरेंटिंग पर है, तो इसे देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा और हम क्या बेहतर कर सकते हैं ये भी सुझाइएगा. कोई टॉपिक हो आपके मन में तो आप कॉमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं. बाकी ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा. कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए. शुक्रिया.